टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11 सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड इट इज़ क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। सो अ सेंटेंस विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंगल फाइनाइट वर्ब हो और एक सिंपल कंप्लीट सेंटेंस हो देन इट इज़ नोन एज सिंपल सेंटेंसेस। यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना हुआ सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है एंड इट इज़ मॉडिफाइड बाई एन एडवर्ब और एन एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। अ सेंटेंस विच इज़ फॉर्म बाई जॉइनिंग टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉसेस कनेक्टेड बाई अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ फॉर्म बाय जॉइनिंग टू और मोर प्रिंसिपल या मेन क्लॉज को मिला के बनाते हैं एंड द दैट टू क्लॉसेस आर जॉइन बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कभी कभी हमारे दोनों ही क्लॉज में सेम सब्जेक्ट सेम फाइनाइट वर्ब होता है देन वी ऑफन लीव वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड फॉर्म इट एज कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज़ होते हैं। लास्ट हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ सेंटेंस विच हैज़ अ मेन क्लॉज एंड एट लीस्ट वन सबॉर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द सबॉर्डिनेट क्लॉज कैन बी अ नाउन क्लॉज एन एडजेक्टिव क्लॉज और एन एडवर्ब क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ अ सेंटेंस विच हैव वन मेन क्लॉज एंड एट लीस्ट वन सबॉर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज एक नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है या एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। यानी मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज से मिले हुए सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? नाउ सी हाउ यू विल आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब। इफ देर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब देन इट इज सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट है इफ द सेंटेंस कंप्राइजेज ओनली वन मेन क्लॉज एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में एक मेन क्लॉज हो और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है एंड कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होगा। और लास्ट है हमारा इफ द सेंटेंस कंप्राइजेस अ सिंगल मेन क्लॉज एंड एट लीस्ट वन सबॉर्डिनेट क्लॉज देन इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक मेन क्लॉज हो और साथ में एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो तो ये हमारा क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो दिस इज़ द चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा है सेंटेंस के बारे में कि थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर देयर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर दैट इज सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक फाइनाइट वर्ब से बना हो और एक मेन क्लॉज हो तो सिंपल सेंटेंस है। मोर देन वन मेन क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज हो तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है एंड मेन क्लॉज के साथ अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज हो तो हमारा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट क्लॉसेस। आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज के बारे में आपको जानना है और ये मैंने पिछले वीडियो में रिवाइज करा दिया है। सो जस्ट गो एंड वॉच दैट प्रीवियस वीडियो एंड द सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज विल बी क्लियर टू यू एंड देन अगेन यू गो थ्रू दिस चैप्टर द टॉपिक विल बी मच क्लियर टू यू। टिल दैट गुड डे।